हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का एक न्यू सब टॉपिक्स व्हिच इज आफ्टर क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, दैट इज लीडरशिप स्टाइल। सो स्टूडेंट, जितने भी सब टॉपिक्स हैं इसमें आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें एक साल छोड़ दूसरे साल सब टॉपिक्स जो है उसी में से क्वेश्चन आते हैं, वो रिपीट होते हैं। सो आज का जो टॉपिक है सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कवर करता है 3 to 4 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। एंड अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया तो येस, ये ज़्यादा मार्क्स भी कवर कर सकता है, बट इट इज़ वेरी रेयर सीइंग टू द प्रीवियस ट्रेंड्स। सो आपको क्या करना है, अपनी कंसेप्ट रजिस्टर निकालना है और अच्छे से सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, जो भी मैं कीवर्ड्स की नोट्स आपको लिखवाऊंगी। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। स्टूडेंट्स, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑन दिस चैनल, दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल फॉर CBSE बोर्ड फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। एंड एक हमारा सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको पढ़ाते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th ऑफ दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, एंड दैट टू इन हाई क्वालिटी, वो भी 100% फ्री। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड अगर आप किसी को भी जानते हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th, उन्हें जरूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। So what you have to do, आपको निकालना है अपनी concept register and heading डालनी है leadership style. So leadership style को पढ़ना start करते हैं. So इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक example देती हूँ. Okay? So let's take an example. अब एक company है. Okay? So there are 3 companies. Let's assume X Limited, X प्राइवेट लिमिटेड, वाई प्राइवेट लिमिटेड एंड जेड प्राइवेट लिमिटेड। सो ये 3 कंपनीज हैं। ओके, अब इन तीनों कंपनीज में, ये तीनों सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और तीनों कंपनीज में कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो यहाँ के जो लीडर हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, यहाँ के लीडर हैं मिस्टर अरुण, यहाँ के जो लीडर हैं मिस्टर केशव, और यहाँ की जो लीडर हैं मिस मुस्कान। अब मिस्टर अरुण जो हैं वो एक नॉर्मल कॉलेज पास आउट है, और इनके पास टीम हैंडलिंग में अप्रॉक्स 4+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब मिस्टर केशव जो हैं वो VIT वेलोर से पास आउट है इंडिया में, ये एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, ठीक है, और इनके पास एक्सपीरियंस है 5+ इयर्स का। एंड मिस मुस्कान जो हैं, मिस मुस्कान IIM से पास आउट है एंड इनके पास 2+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से कुछ लीडर्स की क्वालिफिकेशन है। अब एक्स लिमिटेड के जो लीडर हैं मिस्टर अरुण, इन्होंने क्या करके रखा है, इन्होंने ये सिर्फ अपनी टीम को, इनकी टीम में टोटल 12 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो 12 लोग हैं इनके टीम में और ये उनके लीडर हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्डर्स पास करते हैं और टीम को वो ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, टीम इन ऑर्डर्स को फॉलो करती है, टीम इनको ओपिनियंस नहीं दे सकती, ठीक है, सारे ऑर्डर्स यही देते हैं। अब वाई प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि टीम, मान लीजिए ये हैं मिस्टर केशव और यहाँ पे है इनके 12 लोगों की टीम, ठीक है, तो ये ऑर्डर्स भी देते हैं और टीम के ओपिनियंस भी सुनते हैं। अब आते हैं मिस मुस्कान पर, मिस मुस्कान एक यंग लीडर हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये बिल्कुल ऑर्डर नहीं देती, ये टीम से पहले सजेशंस लेती हैं एंड फिर डिसीजंस बनाती हैं।
सो आपने देखा कि हर जो लीडर है वो अलग तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है। इसी से ही हमारे तीन तरह की जो लीडरशिप स्टाइल है वो लॉन्च हुई है। ओके, सो लेट्स स्टडी नाउ अवर टॉपिक। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको स्टोरीज क्यों सुनाई। सो देयर आर मेनी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर एंड स्टाइल्स। बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, लीडरशिप बिहेवियर और स्टाइल की। रिसर्च स्टडीज हैव रिवील सर्टेन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज विच अ लीडर माइट पजेस। मैंने आपको बताया था कि रिसर्चर्स ने कितनी स्टडी बनाई थी, 18,000 स्टडीज, 18,000 क्वालिटीज बताई थी जो एक लीडर में होनी चाहिए। नाउ हाउएवर ये जो है क्वालिटीज ये कंक्लूसिव नहीं है, है ना। बहुत सारे लोगों के पास ये क्वालिटीज होती हैं बट वो लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडरशिप के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हाउ टू डील विद थिंग्स इन एक्चुअल रियल लाइफ कम्स इनटू पिक्चर। ओके, सो देयर आर सेवरल बेसिस फॉर क्लासिफाइंग लीडरशिप स्टाइल। द मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन जो है लीडरशिप स्टाइल का वो अथॉरिटी के बेसिस पर है कि सामने वाला जो लीडर है वो किस तरीके से अपनी टीम को हैंडल कर रहा है। यस और नो स्टूडेंट्स, इसी बात पर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे बताना है कि क्या आपको इन तीनों स्टाइल्स के बारे में पता है। तो फर्स्ट स्टाइल है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, सेकंड है डेमोक्रेटिक स्टाइल और लास्ट है लेजिस्फियर। सो लेजिस्फियर जो है सबसे अच्छी होती है एंड ये जो टर्म है ये आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है बट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इट्स वेरी इजी। ओके, सो ऑटोक्रेटिक स्टाइल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ऑटोक्रेटिक, ठीक है, सो ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर। एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट्स हिज सबॉर्डिनेट्स टू ओबे दोज ऑर्डर्स। तो आपको हमारा एग्जाम्पल याद है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसमें आप मुझे बताइए ऑटोक्रेटिक लीडर कौन है? मिस्टर अरुण, है ना, वो ऑर्डर दे देते हैं एंड अपने टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ ना बोले, चुपचाप से सारे ऑर्डर्स फॉलो करें एंड अगर कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो तो टीम को अलाउड नहीं है, ठीक है, टीम कुछ नहीं कर सकती, सारे डिसीजन कौन लेते हैं? अरुण जी, है ना, थोड़े से मिस्टर खड़ूस हैं ये, ठीक है। सो ऑटोक्रेटिक लीडर क्या एक्सपेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से, कि सबऑर्डिनेट्स उसके ऑर्डर को ओबे करें। यस स्टूडेंट्स, नाउ इफ अ मैनेजर इज फॉलोइंग दिस स्टाइल देन कम्युनिकेशन इज वन वे विद द सबऑर्डिनेट। अगर मैनेजर इस स्टाइल को फॉलो कर रहा है ना तो कम्युनिकेशन कैसे होता है? वन वे होता है, यानी जो लीडर है वो ऑर्डर दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, पर सबऑर्डिनेट लीडर को ऑर्डर नहीं दे सकते या इवन सलाह भी नहीं दे सकते अगर कुछ वो गलत कर रहा है तो, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? वन वे, एंड ऐसा होता है, ठीक है। ओनली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय द मैनेजर, दैट मींस द लोअर पोजीशन सबऑर्डिनेट कैन नॉट इवन से कि सर आप ये गलत बोल रहे हो। And this sometimes is very cumbersome for a subordinate to stay in the organization. ऐसे में अगर कोई qualified individual होता है, वो छोटी post पे होता है ना, वो सहन नहीं करता। इसलिए autocratic कई बार work नहीं करती है। Okay? So this leader is dogmatic, that is, does not change or wish to be contradicted. ये जो leader होते हैं ना, इनको अगर कोई कुछ बोल दे कि सर ये सही नहीं है, सर वो सही नहीं है, वो सीधे बोलते you are fired. उनके अंदर हैसियत ही नहीं होती या ability नहीं होती ये सुनने की कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। उनको अपने decision पे इतना ego होता है। So, इनको क्या बोला गया? Term dogmatic, है ना? ये leader क्या होता है? Dogmatic, मतलब इसको कोई contradict नहीं करेगा। ये जो बोल रहा है वो पत्थर की लकीर है और वो सही है, ठीक है। तो ये भी कीवर्ड है डॉगमैटिक, आपको याद रखना है। नाउ हिज फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट रिवॉर्ड और पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। अब ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है ना, वो चीजें जो फॉलो करता है वो किस चीज पर बेस्ड होती है? एक ही चीज पर बेस्ड होती है, ठीक है, एक अजम्पशन पर कि एक अगर किसी को कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है अच्छी परफॉर्मेंस पे या गलत परफॉर्मेंस पे पनिशमेंट मिल रही है, दोनों रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी वो ये नहीं देखेगा कि इंसान कैसा है, वो ये देखेगा कि उसने काम कैसा किया है, है ना। चाहे इंसान अच्छा हो, काम गलत हो, वो उसे पनिशमेंट दे देगा। Now, this leadership style is effective in getting productivity in many situations. अगर organization को productivity चाहिए तो आप इतना strict रहकर productivity ले आ सकते हो, but आपके employees आपसे खुश नहीं रहेंगे। So, this leadership style is effective in getting productivity in many situations, like in a factory where supervisor is responsible for production on time and has to ensure labor productivity. अगर factory में एक supervisor के ऊपर burden है
कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने एक वीक में, तो वो ऑटोक्रेटिक ही स्टाइल अपनाएगा। अगर वो एम्प्लॉयज़ की सुनने बैठ गया तो प्रोडक्शन डीले हो जाएगा। सो इसलिए कुछ केसेस में सुइटेबल भी होता है। नाउ क्विक डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड, क्योंकि आप सामने वाले की तो सुन नहीं रहे हो, एम्प्लॉय की या सबऑर्डिनेट की, आप बस उसे ऑर्डर दे रहे हो, तो फटाफट डिसीजन आप ही ले रहे हो बींग अ लीडर। सो यस, ये क्विक डिसीजन मेकिंग में भी फॉल करता है। बट देर आर वेरिएशन ऑल्सो, दे मे लिसन टू एवरीवन्स ओपिनियन, कंसिडर सबऑर्डिनेट्स आइडियाज एंड कंसर्न्स अबाउट द डिसीजन विल बी देयर ओन। बट ये चाहें तो सबकी सुन सकते हैं, बट डिसीजन ये खुद ही लेंगे। एंड सबऑर्डिनेट्स की अगर सुन भी रहे ना तो ज़्यादा उसे फॉलो नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अथॉरिटेटिव यानी ऑटोक्रेटिक। अब दूसरे आते हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेशन लीडर। अब ये जो है ये एम्प्लॉयज़ की भी सुनते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में डेमोक्रेटिक लीडर कौन है, मिस्टर केशव, मतलब वो भी ऑर्डर देते हैं, सामने वाले की भी सुनते हैं, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन plans and make decisions in consultation with his subordinates, है ना? He will encourage them to participate in decision making. इस तरह की leadership style ज़्यादा common है, क्योंकि सबके opinions अगर सुने जाएँ तो उनको valued feel होता है और organization में टिके रहने का भी एक बहाना मिल जाता है। And switch ज़्यादा नहीं होता है, employee turnover कम होता है, क्योंकि employee को भी लगता है उसकी value हो रही है। Now recognize that people perform their best if they have set their own objectives. यानी कि इस टाइप ऑफ लीडरशिप में क्या होता है, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलती है। दे ऑल्सो नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन एंड सपोर्ट सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। दे एक्सरसाइज मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेस विद इन द ग्रुप। एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है लेजिस फेयर, जो है मिस मुस्कान। मिस मुस्कान IIM से पास आउट, 2 years of experience एंड लेजिस्फियर स्टाइल को अडॉप्ट करके बैठी है। नाउ वॉट इज लेजिस्फियर? सो सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल। तो ऐसे लोग पावर का यूज नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम सब आपस में दोस्त हैं, यानी लीडर और सबऑर्डिनेट दोस्त हैं। हर इंसान चाहता है कि वो लेजिस्फियर टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल के अंडर काम करे। नाउ द फॉलोअर्स आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड वेज टू अचीव देम। यानी कि सबऑर्डिनेट्स को बोल दिया गया है आपको जो करना है करो, बस रिजल्ट चाहिए, एंड आपको जो मेथड अपनाना है अपनाओ, वो सही होना चाहिए। नाउ द ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इश्यूज देमसेल्व्स। यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं लेते ज्यादा लीडर का, सब लोग अपने अपना काम करते हैं एंड काम पहले से ही डिवाइड हो जाता है, कोई आपको ऑर्डर्स नहीं देगा। द मैनेजर इज देयर ओनली टू सपोर्ट देम एंड सप्लाई देम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट द टास्क असाइन। मैनेजर सिर्फ गाइडेंस की तरह होता है, बाकी इंप्लॉयज अपना काम खुद करते हैं, इतनी लिबरल चीजें प्रोवाइडेड है। एट द सेम टाइम द सबऑर्डिनेट अज्यूम्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क इज टू बी परफॉर्म। यहाँ पे सबऑर्डिनेट को लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर तो मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे, तो मुझे अच्छे से काम करके देना है, है ना? तो ये इनबिल्ट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी हो तो आप लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो बींग अ लीडर। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन लीडर किसी भी तरह का एक्सरसाइज चूज कर सकता है, वेदर इट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर। ओके, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इन स्टाइल्स का। इवन लेजिस फेयर लीडर वुड हैव सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड वाइल डूइंग वर्क एंड अ डेमोक्रेटिक लीडर मे हैव टू टेक हिज ओन डिसीजन इन इमरजेंसी सिचुएशन। सो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है एक लीडर तीनों क्वालिटीज का। सो यस, ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अडॉप्टेड, लाइक मैनी ऑर्गेनाइजेशन में तो कॉम्बिनेशन ही चलता है। कई बार लीडर ऑटोक्रेटिक बन जाते हैं, कई बार डेमोक्रेटिक बन जाते हैं, कई बार खुला हाथ दे देते हैं लेजिस फेयर एक जो लीडरशिप स्टाइल है उसे अडॉप्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया पूरा सेशन, एंड मिलते हैं अगले वंडरफुल सेशन में ऑफ डायरेक्टिंग। एंड स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है एंड बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड आपको क्वेश्चंस जो हैं, जब आप क्वेश्चंस पढ़ें तो आप ये बात ध्यान रखना कि डायरेक्टिंग चैप्टर से ये वाला पार्ट 3 मार्क्स का था, क्वालिटी ऑफ गुड लीडर्स अराउंड 4 मार्क्स आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना जो मैंने आपको क्लासेस में बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। हमारे यूट्यूब चैनल, ऐप एंड वेबसाइट पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल। एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑफ डेली बोर्ड,
बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में, उसको जरूर बताना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। वी ऑल्सो प्रोवाइड दिस एडिशनल कोर्सेज ऑफ वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। सो इफ यू हैव इंटरेस्ट ओवर दिस, यू कैन श्योरली वॉच इट फ्रॉम आर ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, ताकि आपका पूरा रिविजन हो जाए अच्छे से, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इधर से मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन हैव अ गुड डे।